वेलकम टू इन्फी मैथ इस वीडियो में हम लोग गेट मैथमेटिकल साइंस 2000 में पूछा हुआ टेलर एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो दिया हुआ फंक्शन है वो है एफ जेड इक्वल टू वन बाई थ्री माइनस टू जेड तो इस फंक्शन की सिमिलैरिटी कहाँ हुई तो थ्री माइनस टू जेड इक्वल्स टू जीरो एम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू थ्री बाई टू तो हम लोग देख सकते हैं और जिस पॉइंट पे हमें एक्सपेंड करना है वो है z इक्वल टू थ्री इसलिए z माइनस थ्री का टर्म आ रहा है तो ये वो पॉइंट नहीं है तो इस पॉइंट पे यानी थ्री पे z इक्वल टू थ्री पे जो है फंक्शन क्या है एनालिटिक तो है तो फंक्शन जब z इक्वल टू थ्री पे एनालिटिक है तो वहाँ पे जो सीरीज एक्सपेंसन होगा वो टेलर सीरीज एक्सपेंसन होगा इसलिए यहाँ पर हमें टेलर सीरीज एक्सपेंसन निकालना है एक्सपेंसन निकालने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक like करें तो जो दिया हुआ फंक्शन है वो है एफ जेड इक्वल टू वन बाय थ्री माइनस टू जेड और जो सेंटर है वो है जेड इक्वल टू थ्री तो हम लोग एक काम करते हैं जेड माइनस थ्री से थ्री माइनस टू जेड यानी माइनस टू जेड प्लस थ्री में डिवाइड करते हैं तो ये माइनस टू बार फर्स्ट टाइम तो हो जाएगा माइनस टू जेड एंड माइनस माइनस प्लस सिक्स और जब ये प्लस हो जाएगा ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस थ्री तो हम लोग इस फंक्शन को लिख सकते हैं वन बाय माइनस टू टाइम्स जेड माइनस थ्री माइनस थ्री यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम अब देखिए अलजेब्राइक फॉर्म से सीरीज एक्सपेंशन निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करते हैं जो कि हो जाता है वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 तो इस फार्मूला का यूज़ करने के लिए हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा जब हम लोग दोनों ही टर्म में माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो माइनस थ्री कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा टू बाई थ्री जेड माइनस थ्री प्लस वन और आप देख सकते हैं ये जो है अभी इस फॉर्म में आ चुका है इसे थोड़ा रेरेंज करना होगा ऊपर वन है माइनस वन बाई थ्री इंटू वन बाय वन प्लस टू बाई थ्री जेड माइनस थ्री और जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस वन बाई थ्री समेशन एन वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर एन टू बाई थ्री जेड माइनस थ्री और इस पूरे पर पावर हो जाएगा एन और जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी माइनस वन टू द पावर एन टू पर पावर एन थ्री पर पावर एन प्लस वन जेड माइनस थ्री टू द पावर एन तो इस तरह जो हमें सीरीज़ मिला उसका एंथ टर्म हो गया माइनस वन टू द पावर एन टू टू द पावर एन डिवाइड बाय थ्री टू द पावर एन प्लस वन अब जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो होता है मॉड एन बाय मॉड ए एन प्लस वन और लिमिट होती है एन गोज़ टू इनफिनिटी। तो जब हम मॉड ए एन लेंगे तो ये माइनस वन का जो टर्म है ये मॉड में ख़त्म हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा टू टू द पावर डिवाइडेड बाय थ्री पर पावर एन प्लस वन बाय टू पर पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री पर पावर एन प्लस टू और ज़्यादातर टर्म कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे सिर्फ टू बचेगा और यहाँ से भी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे सिर्फ थ्री बचेगा तो वन बाय टू बाई थ्री और आंसर हो जाएगा थ्री बाई टू तो इस तरह हमें जो गिवन फंक्शन का z इक्वल टू थ्री पे पावर सीरीज एक्सपेंसन मिला है वो ये है और जब हमने इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला है रेशियो टेस्ट से तो वो आया है 3 by 2. Thank you very much.